Hi everyone, a very warm welcome to all of you at Tandon Classes. This is Yashika Tandon presenting you a very important video. So, आज हम बहुत ही अच्छी जनरल साइंस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके मेटल के बारे में, राइट, सोडियम के बारे में. बट उससे पहले आपके लिए एक बहुत ही ग्रेट न्यूज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगी. 21st of December से अनअकैडमी प्लस में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट बैचेस आ रहे हैं, जैसे कि 3 बैचेस जो हैं वो लॉन्च हो रहे हैं. अगर आप SSC, CHSL, CGL या MTS किसी की भी तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे की क्यों ना कर रहे हो, ये बैच आपके लिए है. इस बैचेस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात ये है बच्चा कि फुल सिलेबस इसमें कवर होगा. टॉप एजुकेटर्स इसमें पढ़ा रहे हैं. इसमें मैं भी आपको ज्योग्राफी, जनरल साइंस, ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगी. और यहाँ पर ये कंप्लीट बैच आप देख रहे हो 2021 के लिए भी लागू होता है. यहाँ पर आप सभी के लिए, जिनको बच्चों ने बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया, उनके लिए फाउंडेशन बैच भी आपका स्टार्ट हो रहा है. साथ ही साथ हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए भी बैच जो है हमारा आया हुआ है, राइट. याद रखिए, कल से ये बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं. और 21st से जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, इसकी मैं आपको बता देती हूँ, ये 6 months का सिलेक्शन प्रोग्राम है. तो यानी कि आपके जो सिलेबस है वो 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा. 2021 की पूरी तैयारी होगी इसमें. टॉप एजुकेटर सारे सब्जेक्ट्स के इसमें पढ़ाएंगे आपको, पवन राव सर से लेकर अभिनय सर तक. ओके, मैथ्स के लिए रखे गए हैं उन आपके. और फाउंडेशन बैच में आपका फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल होगा. एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आज आपको मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि 31st से हमारे प्राइसेस जो हैं गाइस वो राइज हो रहे हैं. आपको ऐप पे जाना है, वेबसाइट पे जाना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है. वहाँ पर जाकर आपको 31st of December से पहले सब्सक्रिप्शन लेनी है, क्योंकि यहाँ पर प्राइसेस जो हैं वो राइज हो जाएंगे, ठीक है. हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए भी हमने स्पेशल बैच रखा है. हाइक हो रहा है, मैं दोबारा बोल रही हूँ. अभी के लिए जो करंट प्राइसेस है, अगर आप देख रहे हो, 6,000 रुपीज़ है, राइट. 6,000 रुपीज़. बट ये जो बैच ये आप देख रहे हो 12 months के लिए, बट हो सकता है कि ये प्राइस में आपको ज़्यादा प्राइस देखने को मिल जाए, फिर आपको दिक्कत आ जाएगी. तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको ये बैच लेना है. और नीचे यहाँ पर आपको कोड दिखाई दे रहा होगा, अगर आप इस कोड को अप्लाई करोगे तो इसमें आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट. तो यशिका YT इज माई कोड, आपको ये कोड लगाना है 10% डिस्काउंट के लिए, राइट. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज की. हेलो एवरीवन, अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू आट टंडन क्लासेस. सो दिस इज़ याशिका टंडन प्रेजेंटिंग यू अ सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो, जिसमें हम अकेडमिक्स के अवार्ड्स जो हैं देख रहे थे. तो अब जो हम अवार्ड्स देखने वाले हैं वो आपके जनवरी 2020 से लेकर, राइट, जून 2020 तक हैं. तो ये सारे के सारे जितने भी इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स हैं और उसकी इम्पॉर्टेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो सारी मैं इसमें कम्प्लीट कर दूँगी, राइट. तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, प्लीज़ ध्यान से सुनेगा और साथ साथ चाहें तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं. तो सबसे पहला जो हमारा अवार्ड आता है वो आता है मेक यंग साइंटिस्ट अवार्ड. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड. ये जो अवार्ड है 2019 का दिया हुआ है, ठीक है, जो कि 2020 में मिला है. ये मिला है डॉक्टर सक्य सिंघा को, डॉक्टर सख्य सेन सिंघा, सेन सिंघा को. अब क्वेश्चन ये आता है कि ये इनको अवार्ड मिला क्यों है. इनको केमिकल साइंस में अवार्ड मिला है, तो साइंटिस्ट का अवार्ड है, तो इन्होंने केमिकल यानी कि केमिस्ट्री में काम किया है उम्दा तरीके से, दैट इज़ वाई इनको अवार्ड मिला है. बाकी इसकी इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. और साथ ही साथ यहाँ पर ये आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है, पीछे एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, राइट. नेक्स्ट हमारे पास जो अकेडमिक्स का अवार्ड है, ये आपके हैं 10th क्रॉस बुक अवार्ड्स. अब ये जो अवार्ड्स हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं. रीज़न ये है कि ये टोटल इसमें 10 कैटेगरीज़ में अवार्ड्स दिए गए हैं. 10 अवार्डीज़ हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए. तो मैं सभी के एक एक कर कर आपको नाम बताती हूँ और साथ ही साथ इसमें हम सारे बात करते हैं. यहाँ पर जितने ये जो अवार्ड है, ये क्रॉस बुक अवार्ड्स, ये इंडियन ऑथर्स और इंडियन लिटरेचर में दिया जाता है. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इंडियन ऑथर्स को, एंड इंडियन लिटरेचर में ये अवार्ड जो है वो मिलता है.
राइट अब सबसे पहले कैटेगरी के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी में दिया गया है। सबसे पहली कैटेगरी हमारे पास आती है नॉन फिक्शन कैटेगरी। नॉन फिक्शन की कैटेगरी में जो बुक है उसको बुक का नेम है लाइफ अमेजिंग सीक्रेट्स। ये गोपाल दास की बुक है, गौर गोपाल दास। आपने इनके बारे में सुना भी होगा, यूट्यूब पे इनकी बहुत अच्छी वीडियोस भी हैं। तो इनको ये अवार्ड मिला है। ये बुक आपको याद रखनी है, हो सकता है एग्ज़ाम में या ऐसे आ जाए। 10th क्रॉस बुक अवार्ड्स जो है नॉन फिक्शन कैटेगरी में किस बुक को मिला है, या सीधा का सीधा बुक नेम आपको दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए उनके ऑथर कौन से हैं। तो ये हुई नॉन फिक्शन कैटेगरी में। उसी के साथ साथ फिक्शन कैटेगरी में ये आपकी अक्षय कुमार की वाइफ ट्विंकल खन्ना और एक बहुत ही उम्दा ऑथर ट्विंकल खन्ना, इनको मिला है, राइट। और इनकी बुक का नेम है पैजामास आर फॉरगिविंग। तो ये आपके दो बुक्स हैं जो आपको याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो ऑथर हैं जो चिल्ड्रंस रिलेटेड बुक्स लिखती हैं, उनको चिल्ड्रंस कैटेगरी में मिला है और ये बुक का नेम है द अपसाइड डाउन किंग। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑथर इनकी, इनका नाम है सुधा मूर्ति, राइट। नेक्स्ट हमारे पास जो कैटेगरी आती है वो आती है बिजनेस एंड मैनेजमेंट की। ये जो पर्टिकुलर बुक इस कैटेगरी में जिस बुक को मिला है उस बुक का नाम है कॉर्पोरेट मॉन्क। और ये बुक जो है लिखी गई है अंजू शर्मा जी के द्वारा। तो ये हो गई आपकी सारी की सारी ऐसी बुक्स जो इंडिविजुअल कैटेगरीज में मिली हैं। इसी के साथ साथ जूरी बुक भी मिली है और ये आपकी, अब आपको मैं बताने जा रही हूँ यहीं के साथ साथ, यानि कि 10th क्रॉस बुक अवार्ड्स नॉन फिक्शन कैटेगरी में मिली है लाइफ अमेजिंग सीक्रेट्स, जो कि है गौर गोपाल दास के द्वारा लिखी गई। फिक्शन कैटेगरी में देखोगे ट्विंकल खन्ना, पजामाज आर फॉरगिविंग। चिल्ड्रन कैटेगरी में द अपसाइड डाउन किंग सुधा मूर्ति। बिजनेस एंड मैनेजमेंट कैटेगरी में कॉर्पोरेट मॉन्क और ये अंजू शर्मा को मिली है, राइट। अब एक और कैटेगरी आती है, उस कैटेगरी का नाम है जूरी नॉन फिक्शन अवार्ड। प्लीज़ ध्यान रखिएगा ये अलग है और ऊपर वाली बुक अलग है। तो यहाँ पर आपको बकायदा क्वेश्चन में दिखेगा, वहाँ पर लिखा होगा कि जो ज्यूरी नॉन फिक्शन अवार्ड कैटेगरी में किसको मिला है। तो ये आपका मिला है शांता गोखले को, राइट। और किस बुक के लिए मिला है, इस बुक का नाम है वन फुट ऑन द ग्राउंड। बहुत ही बड़ा नेम है ये। आगे भी आता है अ लाइफ टोल्ड थ्रू द बॉडी, तो ये पूरी बुक मैं लिख देती हूँ। आपसे सीधा का सीधा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है। तो दैट इज़ वाई जो अकेडमिक्स के क्वेश्चंस होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं, अवार्ड्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी आती है वो आती है ज्यूरी फिक्शन अवार्ड। इस कैटेगरी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक जो मैंने आपको पीछे ही फर्स्ट सेशन में बताई थी और मैंने आपसे पूछा भी था, द फार फील्ड, जिसको 2019 कैटेगरी में JCB अवार्ड मिला, ये वाली कैटेगरी को जूरी फिक्शन अवार्ड भी मिला है 10th क्रॉसवुड बुक्स अवार्ड में। और ये लिखी गई है माधुरी विजय के द्वारा। राइट, नेक्स्ट हमारे पास आती है जूरी चिल्ड्रंस बुक अवार्ड। इस कैटेगरी में रिचा झा एंड दो पर्सनालिटीज हैं,
ऋचा झा एंड सुमंता रे, इनको मिली है। इनकी एक बुक है जिसका नाम है मच्छा झोल फिश करी, मच्छा झोल फिश करी। इस बुक के लिए इनको जो है अवार्ड दिया गया है। ये आपके सारे 10th क्रॉसवर्ड जो है बुक अवार्ड्स हैं। एक बुक और है जो कि इस कैटेगरी में मिली है, जिसको बोला गया है बेस्ट बुक इन द इंडियन लैंग्वेज। सुधा मूर्ति की बुक याद रखिएगा, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट ऑथर है। ठीक है, तो ये आपकी एक बुक है जिसका नाम है डायरी ऑफ मलयाली मैन, मलयाली मैड मैन, सॉरी। ठीक है, ये लिखी किसके द्वारा गई है, जयश्री। इनका नाम आपने जेसीबी अवार्ड्स में भी सुना है, जयश्री कला थिल एंड एन प्रभाकरण। राइट, सो इनके द्वारा जो है अवार्ड इनको मिला है। मैं दोबारा से नाम बोल देती हूँ, एन प्रभाकरण है, माफ़ी चाहती हूँ राइटिंग के लिए। तो ये अवार्ड्स जो हैं दिए गए हैं आपकी क्रॉसवर्ड की कैटेगरी में, 10th क्रॉसवर्ड अवार्ड्स। 10 अवार्डीज थे, यानी कि 10 के जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट अवार्ड्स आपको लिखवाए हैं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। आप इनमें से कोई भी छोड़कर नहीं जा सकते, कोई भी पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो अवार्डीज आते हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 29th सरस्वती सम्मान 2019, ये किसको मिला है? ये आपका सिंधी, यानी कि ये एक तरीके की इंडो आर्यन लैंग्वेज होती है, उसके ऑथर को मिला है। और ये राइटर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, 2019 में भी ये न्यूज़ में रहे थे। इनका नाम है वासुदेव मोही, वासुदेव मोही। अब इन्होंने क्या ऐसा किया है जिसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है? इनकी एक कलेक्शन है मतलब इसमें पोइट्री वगैरह है, वो बुक का नेम है चेक बुक, इसके लिए इनको जो अवार्ड है मिला है। तो ये सीधा का सीधा क्वेश्चन भी बनता है कि चेक बुक किसके द्वारा लिखी गई है। उसी के साथ साथ 29th सरस्वती सम्मान अवार्ड एक फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं, जिसका नेम है के बिरला फाउंडेशन। राइट, अगला हमारे पास आता है ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज 2020। ये आपका नाम ही आपको बता रहा है कि ये जो अवार्ड है बुक कवर प्राइज डिज़ाइनिंग के लिए दिया गया है। बिल्कुल, एक बुक कवर का एक बुक है जिसका नाम है टिफिन ऑथेंटिक, एक सेकंड, टिफिन ऑथेंटिक रेसिपीज सेलिब्रेटिंग इंडियन रीजनल क्यूजींस। राइट, तो इस बुक के लिए मिला है, इनका नाम है स्नेहा पनेजा। ठीक है, स्नेहा पनेजा, कई बार अपनी राइटिंग भी समझ नहीं आती है। ओके, सो कर्सिव राइटिंग का ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है। चलिए, स्नेहा पनेजा, तो इनके द्वारा ये इनको जो है अवार्ड दिया गया है। तो ये आपके जो मैंने अवार्ड आपको लिखवाए हैं, ये सारे के सारे आपके 6 महीने के लगभग अवार्ड हैं। बस अब 2-3 और अवार्ड्स रह गए हैं, देन आपका ये लेक्चर ओवर हो जाएगा, और बहुत ही जल्दी हमने सारे अवार्ड्स कर लिए। तो सबसे पहला अब आपका एक अवार्ड आता है जिसका नाम है SERB सर्ब। ये सर्ब अवार्ड्स का मतलब क्या है, इसकी सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। फुल फॉर्म है
साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड 2020। तो ये इसकी पूरी जो है फुल फॉर्म है, ये मिली है डॉक्टर नीति कुमारी को, नीति कुमार। प्लीज़ या नाम याद रखिए, सीधा का सीधा क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक अवार्ड है आपका इंडियन अचीवर्स अवार्ड, ये डिफरेंट एजुकेशन की फील्ड में दिया जाता है इंडियंस को, तो अगेन ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट अवार्ड है और इस साल दो कैटेगरी में मिला है, एक एजुकेशन कैटेगरी में दिया गया है और एक एस्ट्रोलॉजी की कैटेगरी में दिया गया है। यस, एस्ट्रोलॉजी यानी कि बेस्ट एस्ट्रोलॉजर को मिला है वो अवार्ड, और उनका नाम है डॉक्टर सोहनी शास्त्री। और जिनको एजुकेशन की फील्ड में मिला है उनका नाम है राजेंद्र इंद्रमान सिंह, राजेंद्र इंद्रमान सिंह। नेक्स्ट हमारे पास जो अवार्ड आते हैं वो आते हैं साहित्य अकेडमी ट्रांसलेशन अवार्ड्स। प्लीज़ याद रखिए, साहित्य अकेडमी अवार्ड अलग हैं और साहित्य अकेडमी ट्रांसलेशन अवार्ड अलग हैं। ये ट्रांसलेटेड बुक्स के लिए दिए जाते हैं। तो एक बुक है जिसका नाम है कुसुम्बले, और ये अभी सूजन डेलियन के द्वारा जो है इसको ट्रांसलेट किया गया है, उनको ये अवार्ड जो है वो प्रेजेंट किया गया। आज का लास्ट अवार्ड जो है वो आपका है एनुअल पेन अवार्ड, इसको कई बार हम हेनिंगवे अवार्ड भी बोलते हैं। दोनों में से आपको कोई भी क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है। तो 2020 का एक बुक है, इसका नाम है अ प्रेयर्स ऑफ ट्रैवलर्स। इस बुक के लिए जो है दिया गया है, ये लिखी गई है, बेसिकली एक नोवेल है, ठीक है, और ये लिखी गई है रुचिका तोमर के द्वारा, उनको ये अवार्ड जो है वो प्रेजेंट हुआ है। तो आज हमने काफ़ी सारे अवार्ड किए, ये से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट दो अवार्ड और भी हैं, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये आपका एक फर्स्ट मातृभूमि, ये मुझसे मिस हो गया, माफ़ी चाहती हूँ, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट अवार्ड है, ये दिया गया है विनोद कुमार शुक्ला को। विनोद कुमार शुक्ला किसके लिए दिया गया है? बेसिकली इन्होंने ब्लू इज़ अ ब्लू, ब्लू इज़ लाइक ब्लू, ये एक बुक है, इसको ट्रांसलेट किया है। आपको बताना है कि ओरिजिनली ये किसके द्वारा लिखी गई है, गूगल पे सर्च करिएगा और देखो ये ओरिजिनली किसके द्वारा लिखी गई है, राइट। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं मिस्टिक कलिंगा अवार्ड, कलिंगा लिटरेरी अवार्ड, राइट। ये जो अवार्ड है 2020 का मनोज दास को दिया गया है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑथर हैं ये अगेन, और 2019 में भी बहुत न्यूज़ में रहे थे, फेमस ओडिया एंड इंग्लिश राइटर हैं, और ये इंडियन लैंग्वेज और ग्लोबल लैंग्वेजेस में दिया जाता है मिस्टिक कलिंगा लिटरेरी अवार्ड, जबकि इसका नाम ही पूरा ऐसे है मिस्टिक कलिंगा लिटरेरी अवार्ड फॉर द इंडियंस एंड द ग्लोबल लैंग्वेजेस। तो मनोज दास जी को मिला है, अगेन प्लीज़ इनका याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
तो ये सारे अवार्ड्स थे जो मैंने आपको बताए, जो कि एजुकेशन या लिटरेरी फील्ड में मिले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं स्पोर्ट्स अवार्ड्स या डिफरेंट अदर फील्ड्स के अवार्ड्स के साथ, ताकि आप एक एक कैटेगरी को आराम से कंप्लीट कर सकें। आई होप आज की राइटिंग आपको समझ आ गई हो। मैंने कोशिश किया है कि मैं ज़्यादा ज़्यादा कर्सिव राइटिंग ना यूज़ करूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।